हेलो एवरीवन, वेलकम द लेक्चर फोर्थ ऑफ यूनिट फोर। ओके, लेक्चर फोर्थ है आज यूनिट फोर्थ का। लेक्चर थर्ड, सेकंड और फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था जो भी आप वियर और बैराज डिज़ाइन करते हो उनके फ्लोर के बारे में। और वहाँ पे हमने फर्स्ट वाला जो डिज़ाइन ऑफ फ्लोर, जो ब्लिग्स क्रीप थ्योरी जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, और लेंस क्रीप थ्योरी, उसमें हमने उनके डिज़ाइन जो उन्होंने दिए थे, जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, बट उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, खोसला। तो खोसला थ्योरी हम आज डिस्कस करेंगे, और इन्होंने जो ब्लिग्स की जो थ्योरी थी, क्रीप थ्योरी, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। ओके, तो मेनली 1910 से लेके और 1925 तक जितने भी डिज़ाइन हुए हैं बैराज और वियर, मैक्सिमम जो डिज़ाइन हुए हैं वो वो ब्लिग्स थ्योरी पे डिज़ाइन हुए हैं। ओके, इतने साल तक ब्लिग्स क्रीप थ्योरी को ही इन्होंने डिज़ाइन के तौर पे लिया था। बट 1926 और 27 में ऐसा हुआ कि जो चेनाब कनाल है उसको वो फेल होना स्टार्ट हो गई, यानी कि उसमें जो किया था वो पाइपिंग जो सिस्टम था फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डैम, जो हम डिस्कस कर रहे थे पाइपिंग वाला, जिसके लिए इन्होंने पाइल्स ऐसे वर्टिकल पाइल डेवलप किए थे कि हम क्या करेंगे, क्रीप लेंथ को इंक्रीज करेंगे। क्रीप लेंथ इंक्रीज करने के लिए कटआउट लगाए थे स्टार्टिंग और बॉटम पे, डाउन स्ट्रीम और स्टार्टिंग यानी कि अप स्ट्रीम में कट ऑफ लगाए थे। क्यों लगाए थे? क्योंकि स्ट्रीम जो उसका लाइन था, क्रीप लेंथ, उसको इंक्रीज करने के लिए। बट ये सब होने के बावजूद भी, इस क्राइटेरिया को लेने के बाद भी, जो चेनाब वाला बैराज था वो फेल होने लग गया। और वो फेल हो गया, उसके बाद खोसला थ्योरी को अल्टीमेटली आना पड़ा, क्योंकि खोसला ने कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किए थे, उसमें आगे कुछ रिसर्च वगैरह हुई कि हाँ, कि ब्लिग्स थ्योरी में कहाँ पे गैप है जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, और किस वजह से जो चेनाब का जो वियर था वो फेल होने लग गया। उसके बाद जो खोसला थे उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको खोसला थ्योरी बोला गया। तो उन्होंने फर्स्ट उनका जम्पशन था वो ये था कि स्वीपिंग वाटर डज नॉट क्रीप अलोंग द बॉटम कंटूर ऑफ पक्का फ्लोर एज स्टेटेड बाय ब्लिग्स। ब्लिग्स ने क्या कहा था कि जो वाटर जो सीपेज करेगा वो अलोंग द बॉटम ऑफ द डैम और वियर करेगा, जो भी उसका फाउंडेशन होगा, जो भी उसका बॉटम होगा, उसके अलोंग वो जो वाटर है फ्लो करेगा। और खोसला ने कहा कि ऐसा नहीं होता है। ओके, उन्होंने फिर उसके बाद बोला ऐसा नहीं होता है, बट ऑन द अदर हैंड दिस वाटर मूव्स अलोंग अ सेट ऑफ स्ट्रीम लाइन एज सोन इन फिगर 11.3। तो चलो 11.3 वाला फिगर देखते हैं कि खोसला के अकॉर्डिंग वो वाटर कैसे फ्लो होता था। तो खोसला के अकॉर्डिंग वाटर इस तरह से फ्लो होता था। देखो, स्टार्टिंग में तो वो इसके अलोंग द फाउंडेशन यहाँ तक जाएगा, उसके बाद वो ऐसे फ्लो करेगा, उसके बाद सेकंड स्ट्रीम लाइन। तो उन्होंने इसको बोला ये स्ट्रीम लाइन है, तो एज ए स्ट्रीम लाइन वो फ्लो करेगा इस तरह से, यानी कि जो हमने डार्सी लॉ पढ़ा था उसको ही यहाँ पे उन्होंने उसकी हेल्प लिया है कि एज ए स्ट्रीम लाइन फ्लो करेगा, जो जितना नज़दीक होगा वो ऐसे फ्लो करेगा, ये वाला पोर्शन ऐसे फ्लो करेगा, ये वाला पोर्शन ऐसे फ्लो करेगा। यानी कि इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि जो फर्स्ट स्ट्रीम लाइन है, ये वाली जो स्ट्रीम लाइन है, फर्स्ट स्ट्रीम लाइन, ये कुछ हद तक ब्लिग्स क्रीप थ्योरी को फॉलो करती है। यानी कि इसको इन्होंने बोला कि हाँ, ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये अलोंग द फाउंडेशन ऐसे फ्लो करेगी। ओके, तो इसको इन्होंने यहाँ पे और इन्होंने इसको समझाया है यहाँ पे। देखो, ये स्ट्रीम लाइन है, ये बैराज है, इन्होंने ये कटआउट दे रखे हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में। तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, देखो, जो नियर द फाउंडेशन है, ये वाली जो स्ट्रीम लाइन है, ये कुछ कुछ हद तक कह रहा हूँ मैं, उसको फॉलो करती है ब्लिग्स क्रीप थ्योरी को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट स्ट्रीम लाइन फॉलो द बॉटम कंटूर ऑफ द वर्क एंड इज द सेम एज ब्लिग्स पार्ट ऑफ क्रीप, द रिमेनिंग स्ट्रीम लाइन फॉलो स्मूथ कर्व
ट्रांजिटिंग स्लोली फ्रॉम द आउटलाइन ऑफ द फाउंडेशन टू अ सेमी इलिप्स। ओके, जो बाकी के जो स्ट्रीम लाइन है वो सेमी इलिप्स या आउटर जो फाउंडेशन है उससे फ्लो करती है। तो इसके बाद ये सब एजम्पशन देने के बाद जो खोसला थे उन्होंने इस पे एम्पेरिकल फॉर्मूला दिए हैं। उन्होंने कहा इसके लिए कि इसमें क्या करेंगे हम, उन्होंने इसके लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला दिए कि जिसमें आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, बाकी चीज़ों पे आप मत जाओ अभी, हम इसके सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उस न्यूमेरिकल की हेल्प से आप पूरा कम्प्लीटली समझ जाओगे कि खोसला ने इसको कैसे डिराइव किया था। इसका डेरिवेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिंपल इसके एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं। आपको उन एम्पेरिकल फॉर्मूले को रीड करना है, पढ़ना है, उन पर आपको इम्प्लीमेंट कर देना जो डिज़ाइन उसने कहा है। ओके, जो जो खोसला का जो मेथड था यहाँ पे ये कह रहा है कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, जो आप जो अभी तक हमने डिस्कस किया था, जो भी प्रोफाइल जो बन रहा था उसमें कह रहा है कैन बी यूज डिटरमाइनिंग द परसेंटेज प्रेशर एट द वेरियस की पॉइंट। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा, ऐसे एक अपस्ट्रीम पाइल, इंटरमीडिएट पाइल और ये डाउनस्ट्रीम पाइल। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसने कहा ऐसे कि वाकई में वाटर कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे इस की पॉइंट पे, की पॉइंट वन, की पॉइंट बॉटम और की पॉइंट इस साइड पे, अगेन की पॉइंट एक यहाँ पे होगा, एक की पॉइंट यहाँ पे होगा, एक की पॉइंट यहाँ पे होगा, एक की पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक आउटर फेस की पॉइंट, इनर फेस की पॉइंट और बॉटम। जो पाइल है उन्होंने उस पाइल के तीन की पॉइंट दे दिए, खोसला ने हर एक पाइल के तीन की पॉइंट दिए हैं, एक आउटर, बॉटम, इनर, आउटर, बॉटम, इनर, ये दोनों खैर इनर हैं, ये इनर है, ये बॉटम है और ये आउटर है। तो उन की पॉइंट पे उन्होंने परसेंटेज प्रेशर कैलकुलेट करने के एम्पिरिकल फॉर्मूला दिए हैं कि इन हर एक पॉइंट पे, की पॉइंट पे आपको परसेंटेज प्रेशर कैलकुलेट करना है और उसके हेल्प से हम निकालेंगे कि कितना परसेंटेज यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में है और वहाँ से कितना वाटर सीपेज करेगा। तो उसके लिए उन्होंने तीन केस दिए हैं, द सिंपल प्रोफाइल विच आर मोस्ट यूजफुल आर द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट है अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस विद अ सीड पाइल लाइन ऑन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड। ओके, नेग्लिजिबल थिकनेस को मान लो अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में सीड पाइल है। अब इसके लिए आप कैलकुलेट करो, उन्होंने फॉर्मूले दिए हैं अपस्ट्रीम के लिए भी और डाउनस्ट्रीम के लिए भी। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर, सेकेंड केस, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर डिप्रेस्ड बिलो द बेड बट विदाउट एनी वर्टिकल कट ऑफ। यहाँ पे एक थिकनेस दे रखी है बेड की, बट और यहाँ पे जो प्रेशर यहाँ पे निकालेगा, प्रेशर यहाँ पे निकालेगा और यहाँ पे कोई भी कट ऑफ नहीं प्रोवाइड कर रखा है। थर्ड है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस विद अ सीड पाइल लाइन एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट। तो उन्होंने थर्ड वाले केस में क्या किया है, ये फ्लोर है और कहीं बीच में उन्होंने एक इंटरमीडिएट पाइल लगा दी है। तो इसके लिए अब क्या फॉर्मूले होंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूले होंगे और इनके लिए क्या फॉर्मूले होंगे वो अब डिस्कस करते हैं। इन्होंने कुछ यहाँ पे करेक्शंस भी दे रखे हो, तो उन करेक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, देखिए ये पहला केस ये वाला है कि जो उन्होंने पहला केस डिस्कस किया था कि एक फ्लोर है, उस फ्लोर में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों एंड पे पाइल लगी हुई। तो जो अपस्ट्रीम एंड है उन्होंने उसको यहाँ पे समझा रखा है ये वाला। ओके, ये पूरा फ्लोर है, ये पाइल है, E1 ये आउटर वाला की पॉइंट है, C1 इनर वाला की पॉइंट, D1 ये बॉटम वाला की पॉइंट और D है डेप्थ ऑफ पाइल। ओके, तो 5C1, तो परसेंटेज के लिए आपको यहां पर रखना है 5C1 कैलकुलेट करना है, वो होगा 100 माइनस 5E। तो 5E की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, उसका भी फॉर्मूले हैं। ओके, 5D1 यहां पे कैलकुलेट करने के लिए 100 माइनस 5D। ओके, उसके भी फॉर्मूले बने हुए हैं। तो वो किससे निकालेंगे आप, यहां से 5E कैसे निकलेगा और 5D कैसे कैलकुलेट होगा। तो 5E 1 बाई पाई कॉस इनवर्स
लैम्डा माइनस टू डिवाइड बाई लैम्डा, और फाइव डी वन बाई पाई कॉस इनवर्स लैम्डा माइनस वन डिवाइड बाई लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आप ऐसे यहाँ से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, और अल्फा की वैल्यू बी बाई डी, ओके बी होगा ये फ्लोर का विड्थ और डी होगा डेप्थ ऑफ पाइल। तो यहाँ से आप फाइव ई और फाइव डी निकाल लोगे और उससे आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे कितना प्रेशर यहाँ पे मिल रहा है। ओके नेक्स्ट है, जब कोई भी अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम या इंटरमीडिएट पे कहीं पे भी पाइल नहीं दे रखी है और एक कुछ सफिशियंट डेप्थ प्रोवाइड कर रखा है फ्लोर का, तो उस पॉइंट पे एक ही पॉइंट यहाँ बनेगा और एक ही पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो डी वन डैश एंड डी डैश ये दो की पॉइंट है। फाइव डी डैश निकालेंगे, टू बाई थ्री फाइव ई माइनस फाइव डी प्लस थ्री बाई अल्फा स्क्वायर, और फाइव डी का जो वैल्यू होगा हंड्रेड माइनस फाइव डी डैश। ओके तो अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, बी बाई डी से। ओके और फाइव डी आप ऐसे निकालोगे और फाइव ई आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। ओके जो लास्ट वाला जो केस है थर्ड केस, उसमें है कि आपको पास डाउनस्ट्रीम में एक पाइल दे रखी है, सॉरी ये इंटरमीडिएट पाइल है, डाउनस्ट्रीम पाइल हमने डिस्कस कर लिया है। जो लास्ट केस है उसमें ये है कि ना डाउनस्ट्रीम में पाइल है ना अपस्ट्रीम में पाइल है, जो पाइल है वो इंटरमीडिएट पाइल है। तो टोटल जो विड्थ है बी, तो यहाँ पे ये है बी वन और ये है बी टू, तो उसके लिए ई पॉइंट ये रहा, डी पॉइंट और सी पॉइंट, ये की पॉइंट है। आपको इन की पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना होता है और उनका फॉर्मूला यहाँ पे ये दे रखे, आपको इन फॉर्मूला की हेल्प से प्रेशर कैलकुलेट करना है। ओके और इसके बेस पे न्यूमेरिकल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी आप समझ जाओ कि अभी खोसला थ्योरी का मेन बेसिक क्राइटेरिया क्या था समझाने का, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन पे इसके बेस्ड पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और खोसला में बस इतना ही है कि आपको उन की पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना है, और उसका एट द एंड रिजल्ट क्या रहेगा उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके थैंक यू।